ये देश की सबसे चौथी रेल है और ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मारुति इंजन से कामली घाट तक चलेगी। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन जो है पूरी यात्रा से वातानुकूलित है, इसके अंदर चार बोगी लगेगी और आज का उद्घाटन हो रहा है। इसके अंदर आज बच्चे यात्रा करें। आप कहाँ से हैं? हम मारवा जैक्सन। इस रेल में बैठ करके आपको कैसा अनुभव हुआ? इसके पहले कभी ऐसी रेल देखी थी? नहीं देखी। इसके अंदर क्या खासियत लगी आपको अन्य रेलों की बजाय? पहले असुविधा नहीं थी ट्रेन में, अब है ट्रेन में सुविधा, इसीलिए। इसको लेकर के क्या देश के अंदर जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, मारुति में रोजगार बढ़ेंगे क्या? हाँ बढ़ेंगे, मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी। रेल कर्मचारी होने के नाते रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक हूँ जी, मैं समझता हूँ 20% ज्यादा मिलेगा। मिलेगा और इससे जो है आवागमन भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और क्या क्या फायदा इस मारुति को मिलेगा? मारुति को फायदा ही मिलेगा, जो लोग ज़्यादातर पर्यटन विभाग जो पाली वगैरह से आते हैं, हाँ, निजी बसों से आते हैं, काफ़ी पैसा व्यवस्था है और इसके अंदर जा कर के आराम से आएंगे। सुविधाएं बहुत अच्छी दी गई है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ रेल मंत्री को और मोदी जी को और आपको भी देता हूँ। सर आप बताइए, इससे जो है मारुति इंजन के अंदर कितनी प्रोग्रेस होगी के आरंभ होने के बाद में और कितनी आर्थिक उन्नति होगी? आर्थिक उन्नति को बढ़ावा मिलेगा मारवाड़ जंक्शन के पर्यटन के क्षेत्र में। इस रूट के अंदर, इस घाटी के अंदर काफ़ी पर्यटन है। राजस्थान का सबसे बड़ा 182 फीट का झरना भी बरसात के दिनों में यहाँ बहता है, उसको देखने के लिए मारवाड़ और मेवाड़ के देसी पर्यटक तो काफ़ी आते हैं, लेकिन इस ट्रेन के चालू होने के बाद में बाहरी पर्यटक भी आएंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, आर्थिक उन्नति उत्पन्न होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक उच्च सोच के साथ में इस ट्रेन को चालू किया है। ये निश्चित रूप से मारवाड़ जंक्शन में एक नई सफलता का परचम लहराएगी। सर आप यहीं से ये जो रेल चालू हुई है इसको लेकर के आप कैसा महसूस करते हैं या क्या अनुभव महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं, हम बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, हमें ये मौका मिला। मौका मिलने से क्या देश के अंदर क्या आर्थिक विकास हो रहा है या रेल में इतनी प्रगति हो रही है? जब से आप जन्म लिया तब से बाद में रेल चलने का पहली रेल, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छी रेल, हम विकास हो रहा है धीरे धीरे। इस तरीके से देखते हैं कि ये रेल जो है अति आधुनिक है और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और राजस्थान के विकास के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगी पाली से बारामूरी जोशी राजस्थान तक के लिए।